आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। देखिए, कीबोर्ड के बारे में हम बात करें तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि 84 to 107 कीज इन कीबोर्ड, यानी कि आपके कीबोर्ड में 84 से लेकर के और 107 बटन भी पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? कीबोर्ड में 84 से लेकर के 107 बटन भी पाए जाते हैं। और फिर इसमें बताया जा रहा है कि 14 कीज एक्स्ट्रा इन मल्टीमीडिया कीबोर्ड। जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड आता है उसमें आपके 14 बटन एक्स्ट्रा पाया जाता है। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट डाटा इन कंप्यूटर, और इसका प्रयोग हम लोग करते कहाँ है? तो अपनी कंप्यूटर में टेक्स्ट के रूप में डेटा इनपुट कराने के लिए। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड, कीबोर्ड में टोटल बटन जो होते हैं वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला आपका दिया हुआ है फंक्शन की, यानी कि कीबोर्ड में 12 प्रकार के फंक्शन की पाए जाते हैं। F1 से लेकर के F12 तक ये आपका फंक्शन की होता है। इसके बाद से आता है आपका न्यूमेरिक की पैड, नंबर की भी पाया जाता है। और इसके साथ ही साथ आपका आता है सिंबल की, आपके कीबोर्ड में सिंबल भी पाया जाता है। और इसके बाद से आता है अल्फाबेटिकल की, ए से लेकर के जो जेड तक हम देखते हैं एक प्रकार का क्या होता है, वो अल्फाबेटिकल की होता है। और यहाँ पे एरो की भी पाया जाता है, और इसके साथ ही साथ स्पेशल की भी पाया जाता है। स्पेशल की भी पाया जाता है। तो स्पेशल की के बारे में बात करें तो स्पेशल की में जो है कंट्रोल आता है, अल्ट आता है, शिफ्ट आता है, होम है, एंड है, पेज अप और पेज डाउन पाया जाता है। तो इतने सारे ऑप्शंस के बारे में आज की क्लास में समझना है कि कीबोर्ड को हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे या कौन सा बटन हमारा कैसे काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइस होता है, क्योंकि बिना कीबोर्ड का कंप्यूटर में कोई भी काम करना संभव नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखे हैं, तो ये हमारे पास कीबोर्ड का स्ट्रक्चर अभी प्रेजेंट में हमारे सामने दिख रहा है। और ये इसमें दो सिंबल आपका बना है, एक आपका PS2 और एक आपका USB। पहले जो है कीबोर्ड जो आता था वो PS2 टाइप का होता था, जिसका पोर्ट हमारा क्या होता था, गोल टाइप का होता था। लेकिन बाद में इस पोर्ट को हटा करके और USB टाइप का मतलब यहाँ पे कीबोर्ड लगाया गया। समझ में आ रहा है ना? और USB में प्लस पॉइंट ये है कि हम आसानी तरीके से, जैसे कि अगर हम कीबोर्ड के स्थान पे माउस लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकें, पेन ड्राइव लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकें, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कि हम यहाँ पे देखे हैं, अभी मैंने आपको बताया है कि फंक्शन की में जो फंक्शन की जो टोटल संख्या होता है वो आपका 12 फंक्शन की पाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए यहाँ से F1, F2, F3, F4 ऐसे जो लिखा हुआ है ना, इस पूरे का नाम क्या होता है, फंक्शन की होता है। किसी भी कीबोर्ड की बात करें आप तो फंक्शन की संख्या टोटल 12 ही होता है। और इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है ESC, और इसका पूरा नाम होता है एस्केप की, इसका पूरा नाम एस्केप की होता है। और इसका प्रयोग हम करंट प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए करते हैं। जैसे ये स्लाइड हमारा पूरी तरीके से जूम है ना, जैसे ही हम इस्केप बटन दबाएंगे तो ये स्लाइड हमारा नॉर्मल अवस्था में, ये किसके बटन से, इस्केप बटन से दबाने से ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में हो जाता है। फिर अगर हम इस चीज को बड़ा करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F5 से हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये सब एक प्रकार का आपका सिंबल होता है। जैसे एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल दिया आपका, ये टाइल्ड का सिंबल आपका दिया है, एट द रेट का सिंबल आपका दिया है, हैच का सिंबल आपका दिया है, डॉलर का सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल है। पर ये सिंबल लिखेंगे कैसे, क्योंकि आप खुद देखिए एक ही बटन पे दो ऑप्शन बना हुआ है, सिंबल भी दिया है, नंबर भी दिया है। तो क्वेश्चन ये बनती है कि सर नंबर का प्रयोग कैसे करेंगे और सिंबल का प्रयोग कैसे करेंगे। तो कीबोर्ड का पूरा प्रैक्टिकल करने के लिए आप देखिए, आप लैब में जाएंगे तो सबसे पहले आपको लैब में जब आप सिस्टम को चालू करेंगे तो ऐसे इंटरफेस आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे इंटरफेस आपको मिलेगा।
और इसी में आपको कीबोर्ड के पूरे बारे में, पूरे ऑप्शंस के बारे में आपको प्रैक्टिकल करना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप यहाँ पे आइएगा सर्च पे, कहाँ पे आना है सर्च पे, और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा नोट पैड। क्या सर्च करना है? नोट पैड। तो ये नोट पैड का सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज को आप यहाँ से बड़ा कर लीजिए, और बड़ा करने के बाद तब जाकर के बारी बारी से कीबोर्ड का पूरा प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे करके चेक करना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि इसको हम सिंबल की के नाम से जानते हैं, अगर आपको सिंबल लिखना होगा यहाँ पे कीबोर्ड में, सारे सिंबल आपको टाइप करना होगा, तो पहले तो आप ये समझिए कि टेक्स्ट की साइज बढ़ाने का जो शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ प्लस प्लस, कंट्रोल के साथ प्लस प्लस दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ ये सारा सिंबल आप लगा सकते हैं। देखिए हो रहा है, तो ये सारे के सारे हमारे सिंबल की होते हैं। अब किस सिंबल का क्या नाम होगा, तो देखिए इस सिंबल का नाम क्या होता है, टाइल्ड, और ये एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल है जिसको हिंदी में विस्मयादि बोधक बोला जाता है, और ये हमारा एट द रेट का सिंबल है, इसकी रिक्वायरमेंट तब आती है जब ईमेल आईडी वगैरह टाइप करते हैं, इसके बाद से हैच का सिंबल है, इसके बाद से डॉलर का सिंबल है, फिर परसेंटेज का सिंबल है, फिर कैरेट का सिंबल है, फिर एंड का सिंबल है, एस्ट्रिक का सिंबल है, और ब्रेकेट ओपन क्लोज का सिंबल है, ये सारा आपका दे रखा है। और वही अगर आप बिना शिफ्ट का प्रेस करेंगे तो ये नंबर आपका लिखा हुआ दिखाई देगा। देख समझ में आ रहा है? तो जब भी आपको सिंबल लिखना हो तो आप ये समझिए कि इसमें आपको कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ इसको आपको टाइप करना होता है, शिफ्ट दबा करके आप प्रेस करेंगे तो सारे के सारे सिंबल आप आसानी तरीके से लिख पाएंगे। कोई दिक्कत? अब चलिए इसके बाद से हम बात करें तो अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका टैब। क्या दिया है? टैब। तो टैब का मात्र दो प्रयोग है। पहला ये प्रयोग है कि टाइपिंग के दौरान दो शब्दों के बीच में लॉन्ग स्पेस देने के लिए आपको टैब बटन दबाना होता है, जैसे नोटपैड के सॉफ्टवेयर पे हम आ गए और यहां से मैंने टाइप कर दिया प्रकाश, कुमार, और फिर हमको लॉन्ग स्पेस चाहिए तो क्या दबाएंगे, यहीं पे टैब बटन दबा देंगे, इतना स्पेस मिल जाता है। फिर यहां से हम दूसरा नाम यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, फिर यहां से टैब दबाएंगे, फिर इतना स्पेस मिल जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हमारे टैब का प्रयोग होता है, दो शब्दों के बीच में लॉन्ग स्पेस देने के लिए हम टैब बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर भी काम करेगा टैब बटन, देखिए इसका एक और भी प्रैक्टिकल है। आप यहाँ पे सबसे पहले सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है EXCEL, एक्सेल। अगर आप यहाँ से एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो सबसे पहले कि आप यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक आप ओपन कर लीजिए, देखिए जैसे ये डेटा हमारे पास बना है ना, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया सीरियल नंबर, और अगले वाले सेल में स्टूडेंट नाम हमको टाइप करना हो तो बस आप ये समझिए जिस तरीके से आप टैब बटन दबाएंगे तो आपका एक सेल से दूसरी सेल में आपका डेटा चला जाएगा। देखो ये भी हमारा टैब का प्रयोग होता है, तो टैब दबा करके एक सेल से दूसरी सेल में अपना जो है ये हम लेके चले जाते हैं। चलिए अगला क्या पॉइंट आपका दिया है, अगला क्या लिखा हुआ है, कैप्स लॉक लिखा हुआ है। तो देखिए कैप्स लॉक का बस एक ही प्रयोग है, अगर कैप्स लॉक को यदि आप चालू कर देते हैं तो सारा का सारा लेटर कैपिटल लेटर में टाइप हो, जैसे हम यहाँ पे नोटपैड के पेज पे आ जाते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो सारा का सारा लेटर कैपिटल लिखा रहा है ना, मतलब कि ये समझिए कि कैप्स लॉक आपका चालू है।
अगर कैप्स लॉक बंद कर देंगे तो सारा का सारा आपका स्मॉल लेटर में टाइप होगा। देखिए सारा का सारा स्मॉल लेटर में आपका टाइप होगा। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारा क्या होता है, कैप्स लॉक का प्रयोग होता है। कैप्स लॉक दबा करके हम स्मॉल से कैपिटल और कैपिटल से स्मॉल भी कर सकते हैं। सॉरी, कैप्स लॉक अगर आप दबाएंगे तो कैपिटल लेटर लिख पाएंगे, अगर कैप्स लॉक बंद कर देंगे तो स्मॉल लेटर में टाइप कर पाएंगे। लेकिन अब ऐसे रिक्वायरमेंट आ जाए कि नाम का पहला अक्षर केवल कैपिटल लिखना है बाकी सारा स्मॉल लिखना है, तो कैप्स लॉक को बंद कर दीजिए। कैप्स लॉक को क्या करना है, बंद कर देना है। इसके बाद से शिफ्ट के साथ पहला लेटर दबाएंगे तो कैपिटल आएगा और बाकी आप वैसे टाइप करेंगे तो स्मॉल लेटर में आएगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया कि नहीं आया? तो शिफ्ट का मैंने अभी आपको बताया कि पहला तो सिंबल लिखने के लिए और दूसरा कैपिटल से स्मॉल और स्मॉल से कैपिटल के लिए। इसके बाद से शिफ्ट का और भी क्या प्रयोग है, देखिए अगला बटन वही आपका दिया है, शिफ्ट ही दिया है। तो शिफ्ट का जो तीसरा प्रयोग है, तो देखिए शिफ्ट के साथ अगर आप एरो दबाते हैं वो भी लेफ्ट एरो, तो आपका डेटा सिलेक्शन हो पाता है। देखिए और यदि कर्सर आपका राइट लेफ्ट में है तो शिफ्ट के साथ आपको राइट एरो दबाना होता है। देखिए ये राइट एरो आपको दबाना होता है। अगर कर्सर आपका टॉप में है और नीचे से सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो आपको दबाना होता है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारे शिफ्ट का प्रयोग होता है। अब चलिए अगले ऑप्शन के बारे में बात करें, तो अगला ऑप्शन क्या दिया है, CTRL लिखा हुआ है और CTRL का पूरा नाम होता है कंट्रोल की। और जैसे कि आपको पता भी है कि कंट्रोल का सबसे ज्यादा प्रयोग शॉर्टकट की में किया जाता है। जैसे देखिए हम यहाँ पे आ जाते हैं नोटपैड की सॉफ्टवेयर पे और मैंने कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन कर लिया और कंट्रोल प्लस सी बटन दबा करके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी बटन दबा करके पेस्ट भी कर पाते हैं। ये सब शॉर्टकट की होता है। क्या इतना मैंने टाइप किया था? बोलिए इसको मैंने क्या किया है, कॉपी पेस्ट मैंने किया है। मतलब ये कई जगह मैटर को हम कई जगह पेस्ट कर दिए हैं, ये हमारा कॉपी पेस्ट होता है। तो कंट्रोल का सबसे ज्यादा प्रयोग शॉर्टकट की में किया जाता है। और कंट्रोल का दूसरा क्या प्रयोग है, तो आप इसके लिए सबसे पहले आप चले आइएगा, मिनिमाइज करने के बाद यहां से इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं, आप चले आइएगा दिस पीसी वाले ऑप्शन पे। अब जैसे ही दिस पीसी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पिक्चर। देखिए इतना सारा फोल्डर बना है, अब हम कंट्रोल ही दबाएंगे तो पूरा फोल्डर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हमको सिलेक्शन पूरा नहीं करना है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा के सिलेक्शन करेंगे। आप एक सिलेक्शन कर लीजिए, इसके बाद से कंट्रोल बटन दबा लीजिए, फिर माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप डेटा को सिलेक्शन कर पाते हो। क्या सारा सिलेक्शन हुआ है? तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके हम किसी भी पार्टिकुलर डेटा को सिलेक्शन कर पाते हैं। और प्लस तीसरा क्या प्रयोग है, तो अपनी कीबोर्ड में देखिए, अपनी कीबोर्ड में आपको तीसरा प्रयोग कंट्रोल प्लस अल्ट दोनों एक साथ प्रेस करने के बाद आपको डिलीट बटन दबाना होता है। इससे फायदा क्या होता है, तो आपकी कंप्यूटर दोबारा से रिस्टार्ट हो जाता है। क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट बटन दबाना है। देखिए यहां से आप सिस्टम को दोबारा से रिस्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका क्या, विंडोज। तो देखिए विंडोज का बहुत सारा प्रयोग है, अगर विंडो प्लस सीएल दबाएंगे तो सिस्टम लॉक हो जाएगा, फिर इंटर करिए और यहाँ पे जीआईटी पासवर्ड डालिए तब आपका सिस्टम ओपन होता है। विंडो के साथ ई बटन दबाएंगे तो दिस पीसी ओपन हो जाएगा, और वही अगर आप विंडो के साथ आई दबाते हैं तो सेटिंग ओपन हो जाता है, और विंडो के साथ डी बटन दबाएंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, और विंडो के साथ डी दबाएंगे तो मैक्सिमाइज भी हो जाता है, और विंडो के साथ आर दबाएंगे तो रन कमांड ओपन होता है। ये रन कमांड यहाँ से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला क्या पॉइंट आपका दिया है, अल्ट। तो अल्ट का पूरा नाम होता है अल्टरनेट की। और देखिए आपके कीबोर्ड में तीन ऐसे बटन होते हैं जिसका प्रयोग करने के लिए आपको किसी और बटन का हेल्प लेना होता है। वो बटन कौन कौन सा है, तो देखिए
एक आपका शिफ्ट है, एक आपका कंट्रोल है और एक आपका अल्ट अल्ट है। ये तीनों ऐसे बटन होते हैं जिसका प्रयोग करने के लिए आपको किसी और बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मैंने तीनों के बारे में अभी आपको बताया, केवल अल्ट के बारे में छोड़ करके बाकी ये दोनों ऑप्शन के बारे में मैंने बताया। शिफ्ट का क्या क्या मैंने बताया, क्या मैंने बताया शिफ्ट का प्रयोग? बोलिए। अभी मैंने बताया है कि शिफ्ट का पहला प्रयोग यह है कि सिंबल लिखने के लिए किया जाता है, और शिफ्ट का दूसरा प्रयोग स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल के लिए किया जाता है, और शिफ्ट का तीसरा प्रयोग शिफ्ट के साथ एरो की दबा करके हम डेटा को सिलेक्शन कर पाते हैं। नहीं समझ में आ रहा है क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा है? अब चलिए, इसके बाद से जो आता है ये है आपका अल्ट की, और इस की का पूरा नाम होता है अल्टरनेट की। तो जैसे आप अगर लैब में जाएंगे तो सिस्टम को चालू करने के बाद प्रैक्टिकल करेंगे तो सिस्टम को बंद करना होता है ना, यस अल्ट के साथ F4 दबाना होता है। जैसे ही अल्ट F4 दबाएंगे तो आपका सिस्टम शटडाउन होगा, उसके पहले आपके सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर ओपन होगा वो वन बाय वन करके क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और लास्ट में आपका सिस्टम भी शटडाउन हो जाएगा। तो ये हमारे अल्ट का पहला प्रयोग है, और अल्ट का दूसरा क्या प्रयोग है, तो अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा करके अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज इंग्लिश है, अगर आपको हिंदी मिलाना है तो अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे। देखिए ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ। यहाँ पे देखिए टास्क के बारे में इंग्लिश लिखा हुआ है, अगर हम हिंदी में लाना चाहते हैं तो यहीं पे अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे। चेंज हो रहा है, यहां से हम हिंदी भी ले सकते हैं। देखिए फिर अल्ट के साथ शिफ्ट दबाइए, फिर यहाँ पे इंग्लिश भी आप ले सकते हैं, हो जाएगा। अल्ट प्लस शिफ्ट बटन दबा करके अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं। अब चलिए अल्ट का तीसरा क्या प्रयोग, तो अल्ट के साथ टैब बटन दबा करके आपके अपने सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर ओपन किया है आपने वो सब छोटा छोटा आपका विंडो दिखने लगता है, ये अल्ट के साथ आपको टैब दबाना होता है। देखिए आप कौन से सॉफ्टवेयर पे आपको जाना है, यहां से टैब बटन दबा करके आप चले जाते हैं, जैसे कीबोर्ड पे आना है या फिर मान के चलिए कि नोटपैड पे आना है, नोटपैड का विंडो आ गया, फिर अल्ट के साथ टैब दबाइए, अल्ट को छोड़ना नहीं है, अल्ट को दबाए रखना है, फिर यहाँ पे टैब दबा करके और आप इस सॉफ्टवेयर पे आ जाए, फिर अल्ट के साथ आपने टैब दबाया, फिर आप चले आएंगे यहाँ पे, आप चले आएंगे, देखिए सबका अलग अलग पेज पे आप मूव कर सकते हैं। ये हमारा अल्ट के साथ टैब का प्रयोग होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, अगला क्या पॉइंट आपका दिया, देखिए इसके बाद से आपका स्पेस बटन दिया, तो स्पेस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, स्पेस देने के लिए। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 10 स्टूडेंटों का नाम आप टाइप करिए, तो एक नाम लिखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर दूसरा नाम आप टाइप करेंगे, फिर उसके बाद से आपको स्पेस देना होगा, फिर तीसरा नाम लिखेंगे, तो लाइनों मतलब अगर आप देखें तो एक नाम को दूसरे नाम, एक नाम से दूसरे नाम पे अगर आपको लिखना हो या तीसरा नाम आपको लिखना हो तो बीच बीच में स्पेस अगर हम नहीं देंगे तो उस नाम को कोई पढ़ नहीं पाएगा कि क्या नाम लिखा हुआ, इसलिए बीच बीच में स्पेस देने के लिए ये स्पेस बटन की रिक्वायरमेंट हमारी कंप्यूटर में आती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बाकी ये सब हमारे अल्फाबेटिकल की होते हैं, जिसका ए से लेकर के जेड तक आपका दिया हुआ है इसको हम अल्फाबेटिकल की के नाम से जानते हैं। और प्लस यहाँ पे दो बटन और आपको मिल जाता है, देखिए ये आपका दिया है और ये आपका दिया है, अब इन दोनों का क्या प्रयोग है, तो ये हमारा होता है लेस देन और ये हमारा होता है एक होता हमारा लेस देन और एक हमारा होता है ग्रेटर देन। तो जैसे कि इसका प्रयोग हम तब करते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड पे अगर आपने किसी टेक्स्ट को टाइप किया है और उस टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, केवल एमएस वर्ड की बात हम कर रहे हैं, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट बटन एक साथ दबा लीजिए, इसके बाद से आपको क्या दबाना होता है, ग्रेटर देन दबाना होता है, ठीक है ना? तो ग्रेटर देन से टेक्स्ट की साइज इंक्रीज होती है, और वही लेस देन दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज डिक्रीज होती है।
पर ये काम करेगा, वर्डपर्ड में भी काम करेगा, एमएस पेंट में भी काम करेगा और एमएस वर्ड में भी काम करेगा। जैसे मैं आपको चेक करवा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने विंडो प्लस आर दबाया और यहाँ से हम वर्ड पैड ओपन कर लेते हैं, WORDPAD वर्ड पैड मैंने ओपन किया। देखिए अब यहाँ पे कर्सर को नीचे लेके आ जाते हैं इंटर बटन दबा करके। अब देखिए यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया GIT पडरौना। अब बताइए टेक्स्ट की साइज बहुत छोटा है ना, अब हम इसकी साइज को बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले तो कंट्रोल से दोनों को सबको सिलेक्शन कर लीजिए, इसके बाद से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन आपको दबाना है। देखिए बड़ा हो रहा है, और लेस देन दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज छोटी होगी, आप ग्रेटर देन दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज बड़ी होगी, और लेस देन दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज छोटी होगी। यहाँ पे कंट्रोल प्लस नहीं काम करेगा, वो नोटपैड में काम करेगा। सारे सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट की अलग होती है, अगर हम नोटपैड में जाएंगे तो ये शॉर्टकट की काम ही नहीं करेगा। तो नोटपैड की सॉफ्टवेयर में अगर टेक्स्ट की साइज बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ प्लस प्लस दबाना होता है, अगर घटाना है तो कंट्रोल के साथ माइनस, और बहुत आपने छोटा कर दिया अगर आपको 100 पे लेके आना है तो कंट्रोल के साथ 0 दबाना होता है। ये नोटपैड का वो है रिक्वायरमेंट है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप लैब में क्लियर करिएगा, यहाँ पे विंडो और अल्ट के बीच में एक FN बटन भी बना रहता है, FN बटन भी बना रहता है, इसको फंक्शन बटन के नाम से जानते हैं। अगर आपको अपनी कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट करना हो, जैसे कि जो प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं उसी की स्क्रीनशॉट आपको करना है, तो इसके लिए कैसे आप स्क्रीनशॉट करेंगे, तो FN प्लस विंडो एक साथ दबा लीजिए और उसके बाद से प्रिंट स्क्रीन वाली बटन आपको दबाना होता है। यहाँ पे दिया है देखिए, ये स्क्रीन शॉट वाला, मोबाइल पे भी तो स्क्रीन शॉट करते हैं ना, तो किसमें सेव होता है, मोबाइल की गैलरी में जाकर के सेव होता है और भी स्क्रीन शॉट नाम के फोल्डर में जाकर के सेव होता है। सेम वैसे ही आपके कंप्यूटर में भी एक स्क्रीन शॉट नाम का फोल्डर बना होता है, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए जैसे इसी काम को स्क्रीन शॉट लेना है तो FN प्लस विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन शॉट, हल्की सी लाइट डिम हुई है ना, आपका स्क्रीन शॉट हो गया। इसको चेक करने के लिए क्या करिएगा, आप मिनिमाइज कर दीजिएगा डेटा, इसको भी मिनिमाइज कर दीजिएगा। इसके बाद से आपको आना है कहाँ पे, दिस पीसी पे आना है, और दिस पीसी पे आने के बाद यहाँ पे आपको आना है पिक्चर में, और पिक्चर में आने के बाद यहीं पे स्क्रीन शॉट का एक नाम से फोल्डर बना होगा, और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आएंगे तो यहीं पे स्क्रीन शॉट हुआ है, देख हुआ स्क्रीन शॉट, कोई दिक्कत किसी को। नहीं सर। चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला दिया आपका स्क्रॉल लॉक। क्या दिया है, स्क्रॉल लॉक। तो आप एक चीज समझिएगा, बस स्क्रॉल लॉक का प्रयोग एक ही सॉफ्टवेयर में है, वो है आपका एमएस एक्सेल। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो एक्सेल में कोई भी सेल आप सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, बस केवल एक्सेल में इसका प्रयोग है। तो इसको ऑन करने के लिए जैसे देखिए इसमें तीन प्रकार का इंडिकेटर लाइट आपको दिख रहा है, एक आपका कैप्स है, एक आपका नम है और एक आपका स्क्रॉल है। तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत बना हुआ है, ये पहले पे आपका नम होना चाहिए और सेकेंड पे आपका कैप्स होना चाहिए और थर्ड पे स्क्रॉल होनी चाहिए। नम के बारे में अभी नहीं बताया मैंने, कैप्स के बारे में बताया है, कैप्स के बारे में अगर कैप्स आप कोई इनेबल करेंगे तो यहाँ पे सिंबल जलेगा। अब हमको समझना है किसमें, स्क्रॉल के बारे में। तो देखिए अगर हम स्क्रॉल के बारे में बात करें तो स्क्रॉल का प्रयोग बस एक ही साथ हुआ आपका क्या, बस एमएस एक्सेल। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो एक्सेल में कोई भी सेल आपका कीबोर्ड से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बाकी तो माउस से आप कर ही सकते हैं लेकिन कीबोर्ड से कोई सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसकी जांच करने के लिए हम यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। देखिए अभी कीबोर्ड में मात्र दो ही सिंबल जल रहा है ना, Yes,
अगर तीसरे सिंबल को इनेबल कर देते हैं, जैसे देखिए अभी तो सिलेक्शन हो पा रहा है पूरा, अभी सिलेक्शन हो रहा था, देखिए अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो देखिए अभी सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं, सिलेक्शन कैसे हो रहा था, शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाएंगे तो सिलेक्शन होगा, शिफ्ट के साथ अप एरो दबाएंगे तो सिलेक्शन होगा, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो भी सिलेक्शन होगा, शिफ्ट के साथ डाउन दबाएंगे तो भी सिलेक्शन होगा, शिफ्ट के साथ अगर आप एरो दबाते हैं तो आप डेटा को सिलेक्शन कर पाते हैं। अब इसको हम इनेबल कर देते हैं, एफ एन प्लस शिफ्ट प्लस स्क्रॉल लॉक, तीसरा सिंबल जल गया, अब ये काम करेगा ही नहीं। देखिए अब कितना भी दबा लेंगे काम नहीं करेगा, बस केवल एक्सेल की सॉफ्टवेयर में इसका प्रयोग होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, सिंबल एफ एन प्लस शिफ्ट प्लस स्क्रॉल लॉक से बंद कर देंगे। अगला जो पॉइंट आपका दिया है, देखिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका होम और एंड। अब इसका क्या प्रयोग है तो देखिए, जैसे कि हम इस सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं, अगर सबसे एंड वाले पेज पे आपको जाना है तो कंट्रोल के साथ एंड बटन आपको दबाना होता है, सबसे लास्ट वाले पेज पे लेके जाएगा, और अगर सबसे टॉप वाले पेज पे जाना हो तो कंट्रोल के साथ होम बटन दबाना होता है। पर ये कब काम करेगा, तो जब आपके पास डाटा मतलब ज्यादा मात्रा में रहेगा तब। आप यहाँ से एमएस वर्ड ओपन कर लीजिएगा, एमएस वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे इक्वल रेंड लिख करके इसमें कुछ पैराग्राफ आप टाइप कर लीजिए। इतना लिखा हुआ आ गया। अब हम सबको सबसे टॉप में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस होम बटन, सबसे टॉप में चले जाएंगे, और वही सबसे एंड में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एंड बटन आपको प्रेस करना है। देखिए सबसे टॉप में आ गए और कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो सबसे लास्ट वाले पेज पे आ जाएंगे, और यही काम हमारा पेज अप और पेज डाउन का भी होता है। देखिए यहाँ पे पेज अप और पेज डाउन दिया है, यही काम इसका भी होता है, देखिए पेज अप और पेज डाउन। बस यहाँ पे पेज अप करेंगे तो पेज आपका ऊपर जाएगा, पेज डाउन करेंगे तो पेज आपका नीचे जाएगा, हो जाएगा? किसी को कोई प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रहा है, नींद आ रहा है क्या क्लास में? हाँ इतना पूरा मेडिकल आप लोग लैब में जाके करिए, ठीक है? इसमें एक चीज दिया, इसके बारे में बता दे केवल, देखिए ये जो नंबर की दिया है ना, ये नंबर की आपका तभी काम करेगा जब आप इसको इनेबल करेंगे, अगर आप इसको इनेबल नहीं करेंगे तो ये नंबर काम नहीं करेगा। जैसे देखिए अभी दो सिंबल आपका जल रहा है ना, तो पहला सिंबल आपका नंबर की वाला है और दूसरा सिंबल आपका कैप्स वाला है, अगर ये नंबर की ऑन रहेगा तभी जाके ये काम करेगा, नंबर लिखाएगा, अगर आप इसको बंद कर देंगे तो नंबर नहीं लिखा पाएगा। ध्यान दीजिए अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि इसको बंद करने के बाद टाइपिंग करते हैं आप लोग, तो ये ध्यान रहे कि इसको जब बंद कर देंगे तब ये नंबर टाइप नहीं लगेगा। इतना पूरा लैब में जाके प्रैक्टिकल करिए आप।